नमस्कार दोस्तों, आज 28 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूँ आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन से प्रदेश ने कामगार श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार कल्याण आयोग का गठन करने का फैसला लिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उत्तर प्रदेश। देखिए, लॉकडाउन से प्रभावित कितना 24 लाख से ज़्यादा कामगारों को अब क्या है कि विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश में क्या है वापस लाया जा चुका है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो ने वापस ला भी रही है। अब क्या करना है कि इन हुनरमंदों के जरिए उत्तर प्रदेश को देश का आर्थिक पावर हाउस बनाना चाह रही है कौन, उत्तर प्रदेश सरकार। और उसके लिए क्या है कि प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग के बाद सबको रोजगार दिए जाने की तैयारी है। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि कामगार श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार कल्याण आयोग का गठन करने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में चर्चा में रही जेसिंडा ऑर्डनन किस देश की प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है न्यूजीलैंड, सी है थाईलैंड और डी है म्यांमार। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है न्यूजीलैंड। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड के लिए किस भारतीय महिला को नामित किया गया है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड के लिए किस भारतीय महिला को नामित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है किरण मोरे, बी है सुमन गावनी, सी है सुमन्या कृष्णमूर्ति और डी है राधा रानी। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिसका नाम जो है सुमन गावनी। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड के लिए दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात भारतीय सेना की अधिकारी और महिला शांति दूत एवं ब्राजील सेना की एक कमांडर का चुनाव करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कौन है एंटोनियो गुटेरस ने दोनों को प्रभावशाली आदर्श बताया। भारत की मेजर सुमन गावनी और ब्राजील की नौसेना अधिकारी कमांडर कौन है कार्ला मोंटेरो डे कास्त्रो अराउजो। क्या है कि इन्हें कुछ संयुक्त राष्ट्र शांति दूत अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन 29 मई को आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर कौन सी वैश्विक संस्था ने नियुक्त किया है। देखिए, हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का क्या है परीक्षण किया है। चीन ने इस पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है AR-500C, बी है AR-500CRC या फिर सी है CRV-50RD और डी है CR-500RV। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है AR-500C AR-500C। देखिए, चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसे भारत तिब्बत सीमा पर तैनात किया जा सकता है। और इस मानव रहित पहले ड्रोन हेलीकॉप्टर का नाम क्या है AR-500C इसका नाम रखा गया है। और इस हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया है। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर जो है 5000 मीटर की ऊँचाई से उड़ान भरकर 6700 मीटर तक की ऊँचाई तक जा सकता है। और इसका वजन कितना है 500 किलोग्राम है तथा यह 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड किस देश में रिकॉर्ड की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है दक्षिण कोरिया, बी है USA, सी है जापान और डी है ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड की गई है कितनी 44.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारत में हरित ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 5%, बी है 10%, सी है 20% और डी है 25%। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 20%। चलिए बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द नौतपा क्या है। नौतपा इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, इस वक्त सूर्य 15 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में आता है,
बी है पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर धीमी गति से लगाया जाता है, सी है सूर्य और पृथ्वी के बीच ग्रह का आना, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसका मतलब है कि इस वक्त सूर्य 15 दिनों के लिए कौन से रोहिणी नक्षत्र में आता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस वक्त सूर्य क्या है 15 दिनों के लिए कहाँ जाता है, रोहिणी नक्षत्र में आता है। और इनमें से क्या होता है कि जो पहले 9 दिन हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, नौतपा के नाम से जाना जाता है। और नौतपा क्या है कि सोमवार 25 मई से शुरू हो चुका है, और ज्योतिष के अनुसार क्या है सूर्य 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, और तथा क्या है कि 8 जून तक वह इसी नक्षत्र में रहेगा, और जिसका प्रभाव क्या है गर्मी को बढ़ाने वाला होगा। आप जैसे आप लोग देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जिसका प्रभाव आपको सीधा सीधा देखने को मिल भी रहा होगा। अब देखिए इसका जो है मानसून पर महत्व देख लेते हैं कि नौतपा में पड़ने वाली भीषण गर्मी को क्या है मानसून के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है, और यदि इन 9 दिनों में क्या है भीषण गर्मी पड़े और किसी प्रकार की बारिश ना हो तो मानसून को भी जो मानसून है वो भी अच्छा रहता है। लेकिन क्या है कि आज ही बारिश पड़ी है, हो सकता है कि इस बार मानसून थोड़ा सा गड़बड़ी करे। चलिए बढ़ते हैं अपने नवे प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द गोल्डन यार्ड स्टिक को किसने लिखा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अजय साहनी, बी है बलवीर सिंह सीनियर, सी है राकेश लाल, और डी है मेजर ध्यानचंद। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है बलवीर सिंह सीनियर। देखिए हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द गोल्डन यार्ड स्टिक को क्या है कि हॉकी के महान खिलाड़ी किन्होंने बलवीर सिंह सीनियर ने लिखा है, और हाल ही में बलवीर सिंह सीनियर जी जो हैं उनका निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में चर्चा में रही फिल्म वह जिंदगी किस पर आधारित है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है स्वच्छ भारत इंडिया अभियान, बी है मेक इन इंडिया अभियान, सी है आत्मनिर्भर अभियान, और डी है पल्स पोलियो उन्मूलन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है मेक इन इंडिया अभियान। देखिए हाल ही में चर्चा में रही फिल्म वह जिंदगी क्या है मेक इन इंडिया कंसेप्ट पर आधारित है, और इसको निर्देशित किन्होंने किया है, वो है अशोक चौधरी। और ये फिल्म क्या है कि चीनी प्रोडक्ट का जो है बहिष्कार करने और स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाने को लेकर है, और इस फिल्म को क्या है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी साथ मिला है। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। जो है फिक्की की ही एक इकाई फिक्की महिला संगठन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है स्वाति मालीवाल, बी है रेखा सिंह, सी है जाह्नवी फुकन, और डी है जोहरा सरावत। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है जाह्नवी फुकन। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को क्या है कृषि का दर्जा प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड, और डी है उड़ीसा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने क्या किया है कि लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाले प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है, और छत्तीसगढ़ में क्या होगा कि अब लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा। और दोस्तों इस लाख का जो वर्णन है वो लक्षाग्रह नाम से आपको महाभारत काल में भी मिला होगा, जिस घर के अंदर पांडवों को ठहराया गया था और कौरवों ने बनवाया था उसको जलाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो आपको कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। और ये प्रश्न है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1953, बी है 1963, सी है 1965, और डी है 1983। आपको अपना है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट में हमें फीडबैक दीजिए, और साथ के साथ हमें उत्तर दीजिए प्रश्न का, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।